हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु IAS। सो टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है। हम इस सेशंस के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के जो आपके करंट अफेयर्स रहेंगे, इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव, मतलब प्रिलिम्स और मेंस परस्पेक्टिव से जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, हम उनको कवर अप करेंगे इन्हीं सेशंस के अंदर। क्लियर है? और 70 डेज के अंदर हमारा ये प्रोग्राम पूरे का पूरा कवर अप हो जाएगा, यानी कि 2021 प्रीलिम से पहले हम लोग अपने करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग प्रॉपरली कवर अप कर चुके होंगे। क्लियर है? अभी तक के हमने सेशंस के अंदर 9 लेक्चर्स को देख लिया है, जिसके अंदर हमने मार्च 2020 एंड अप्रैल 2020 को कवर अप किया है। आज हमारा जो 10th लेक्चर रहेगा, 10th सेशन जो हमारा आज शुरू होने जा रहा है, वो होगा शुरू मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ से। आप लोग मेरे से बने रहें, बस जो भी आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स रहती है ना, वो आपके इन सेशंस के अंदर प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो हम लोग आज अपना सेशन शुरू करते हैं फ्रॉम मई 2020 करंट अफेयर्स से। क्लियर है? आप सभी लोग मुझे जानते हो, जैसे माई सेल्फ कनम अग्रवाल, I'm the current affairs mentor in the Abhimanyu IAS. Clear students? मैं आप सभी को एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि एक तो कोई भी सेशन आप लोग देख रहे हो, उसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग वो सेशन की PDF डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? और दूसरी बात, जो भी यहाँ पे न्यूज पढ़ाई जा रही है, कवरअप हम लोग कर रहे हैं, उसको बहुत ही डिटेल में कवरअप कर रहे हैं और बहुत आराम से कवरअप कर रहे हैं। क्लियर है? तो चले सेशन शुरू करते हैं आज का। अगर बात करें आज की सबसे पहली न्यूज की, द परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक शुरू करता हूं मैं। अब अगर बात करें, कहते इंडिया हैज अपॉइंटेड, भारत ने रिसेंटली अपॉइंट किया किसको, TS तिरुमूर्ति को। याद रखिएगा, ये पर्सनैलिटी को आपने याद रखना है कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, क्योंकि भारत ने अपॉइंट किया TS तिरुमूर्ति को एज इट्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली बात आपकी है। पहला ही पॉइंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन है, TS तिरुमूर्ति। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे चलते हैं। कहते इट इज द डिप्लोमेटिक मिशन दैट एवरी मेंबर स्टेट डिप्यूट्स टू द यूनाइटेड नेशंस। क्लियर? ये तो बिल्कुल ठीक है कि डिप्लोमेटिकली ये मिशन रहता है, जहां पे हर एक स्टेट का मेंबर डिप्यूट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। अब बात करें, इसको हेड कौन करता है? कहते हेडेड बाय द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हु इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द UN एम्बेसडर्स। कंसेप्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन किसने दिया, मतलब कौन हेड रहा यहाँ पे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो भारत के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अभी TS तिरुमूर्ति है, और रिसेंटली अगर ये TS तिरुमूर्ति जी को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का दर्जा दे दिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो वो यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर्स भी हैं क्या? यहाँ पे लिखा ना, ऑल्सो रेफर टू एज यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर। क्लियर? ये आता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 7 of the Vienna Conventions on the representatives of the state in their relations with International Organization of Universal Charters 1975. Mains perspective से important रहेगा ये। इसके तहत कि Vienna Conventions on, ये कौन सी convention है, वो convention है जो represent कर रही है states को in their relations, states को तो represent कर दिया किसने, Vienna Conventions ने, कि उसके रिलेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनिवर्सल चार्टर एक्ट कौन से, 1975। कहते अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें रेजोल्यूशन देखा 257 का, कब, 3 दिसंबर 1948 को, ये क्या बोलते हैं कि परमानेंट मिशन असिस्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ द पर्पसेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये बता रहे हैं कि जो परमानेंट मिशंस अभी हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया, वो किस आधार पे, वो है रियलाइजेशन ऑफ द पर्पसेस एंड द प्रिंसिपल्स। कौन से, मतलब होते ना कि
एक दिशाएं दिखानी है हमें, और वो कौन से प्रिंसिपल्स के बेस पे है, वो है यूएन के प्रिंसिपल्स के आधार पर रहता है। ये हमने देखा था 3 दिसंबर 1948 में यूएनजीए के अंदर। क्लियर? कहते यूनाइटेड नेशंस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आर असाइंड टू यूएन हेडक्वार्टर्स, कहां पे है ये, इन द न्यूयॉर्क। जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव को असाइन कर दिया वो कहां पे है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। एंड एट अदर ऑफिसेस, और इनके कहां कहां पे ऑफिसेस रहेंगे, जिनेवा में जो स्विट्जरलैंड में है, वियना में एंड नैरोबी। ये प्रिलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं यहां पे आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं। एक तो न्यूयॉर्क सिटी में आपको इसका ऑफिस देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जिनेवा में देखने को मिल जाएगा, वियना में देखने को मिल रहा है, और नैरोबी में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आप लोग दिमाग में बिठा लो आप लोग, ठीक है। और कौन से प्रिंसिपल्स पे, यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स पे, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 257 ऑफ द 3 दिसंबर 1948। ये चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है। और भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव है, वो है टीएस तिरुमूर्ति। अब ये टीएस तिरुमूर्ति जी को अगर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का दर्जा दे दिया तो इसको, इनको ऑल्सो रेफर टू एज ए यूएन एम्बेसडर, ठीक है। चलें आगे, देखिए फ्रेंड्स कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, आगे चलते हैं। अब भारत, इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस, तो इंडिया का क्या रोल है, क्या पोजीशन है, क्या स्टैंड है, क्या व्यू है इसका, हम उसको पढ़ते हैं। कहते देयर आर करंटली 8 इंडियंस इन द सीनियर लीडरशिप पोजीशन। अभी तक के भारत के, अगर मैं बात करूं पोजीशंस की, ऑफिसर्स की बात करूं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो हमारे पास 8 इंडियंस हैं जो काफी सीनियर पोजीशंस पे हैं। कहां पे, यूनाइटेड नेशंस पे, और किस लेवल पे हैं, एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स। तो 8 भारतीय रिसेंटली अभी काम कर रहे हैं सीनियर लीडरशिप की पोजीशन पे यूएन के अंदर, उनमें से सेक्रेटरी जनरल्स हैं और एक है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रिलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला पहरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा डाटा नहीं डाला, सिर्फ वो डालते हैं यहां पे कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बात करें द फर्स्ट इंडियन डेलीगेट, सबसे पहला भारतीय दूतावास कौन था, कहां पे, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो है आर्कोट रामासामी मुद्दुलियर। कौन है, आर्कोट रामासामी मुदालियर। एंड फ्रीडम फाइटर और कौन है, और एक थे फ्रीडम फाइटर हंसा मेहता। थर्ड है अपने पास लक्ष्मी एन मेनन, और फोर्थ वन इज योर विजय लक्ष्मी पंडित। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पास्ट का भी पता होगा कि यहां पे अभी तक के कौन कौन परमानेंट मिशंस टू द यूएन के ऊपर काम कर चुके हैं, भारत की तरफ से कौन दूतावास रह चुके हैं। क्लियर है? यहां पे लिखा गया कि इंडिया वॉज अमंग द सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूएन दैट साइंड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एट वॉशिंगटन इन 1 जनवरी 1942। कि भारत ने कब ज्वाइन किया, कब मेंबर बना था इसका ऑफ द यूनाइटेड नेशन, साइनिंग कब किया गया यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन वॉशिंगटन के अंदर 1 जनवरी 1942 में। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चले ओके, आगे मूव करते हैं। कहते इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द हिस्टोरिक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम 25 अप्रैल टू 26 जून 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या भारत, इंडिया उस टाइम पे प्रेजेंट था, उसने परफॉर्मेंस किया, उसकी प्रेजेंस थी, अगर थी तो उनके क्या विचार थे, उन्होंने क्या अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। तो यस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था वहां पे। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? देखिए कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे अब बात करते हैं जो सबसे पहले डेलीगेट्स थे यूएन के अंदर, हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया आर्कोट रामासामी मुदालियर, वो रहे 1887 से 1976 तक। ये लॉयर है एंड ज्वाइन द जस्टिस पार्टी इन 1917 में, उन्होंने जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया था। कहते टुक पार्ट इन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी
उन्होंने कमेटी जो होती है हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज रहती हैं, एडॉक बेसिस पे कमेटी होती है, कुछ परमानेंट कमेटीज रहती हैं, तो उनमें से एक कमेटी थी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। किसके आधार पर थी? वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि कानून के अंदर जो चेंजेस लेकर आने हैं, रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। तो आर्कोट रामास्वामी मुदलियार जी उस कमेटी के मेंबर थे इन इंडिया। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। इन 1946 ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेजिडेंट टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, जिसको बोलगा इकोसॉक। तो ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1946 में, किसके? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक के। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि ही आल्सो सर्व्ड एज द चेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी चेयरमैन रह चुके हैं, ऑफ द किसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के। अब WHO क्या चीज है? एड ऑन डाटा एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया WHO को, ये है क्या चीज? इट इज अ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये एक यूनाइटेड नेशंस की फॉर हेल्थ। और कब बनी थी? फाउंड इन 1948 में इसको बनाया गया था। और स्टूडेंट्स इसका हेडक्वार्टर आज के टाइम पे आपको कहां देखने को मिल रहा है? जनेवा में देखने को मिल जाएगा। और कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो हेल्थ के ऊपर काम करती है। 1948 में बनाया गया था जनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, चले आगे। एक मिनट, अभी WHO के बारे में अगर थोड़ा सा और एड ऑन डाटा करें, WHO के अंदर क्या है? इसके इनके अंदर 194 क्या है? मेंबर स्टेट्स हैं, 194 मेंबर स्टेट्स, जिसके अंदर आपकी 150 कंट्रीज इंक्लूड हो रही हैं, 150 कंट्रीज के सॉरी ऑफिसेज आते हैं, एंड 6 रीजनल ऑफिसेज आते हैं आपके WHO के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चले आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला आता है अपना यूनेस्को। फुल फॉर्म क्या रहती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। यूनेस्को स्टूडेंट्स एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी एड ऑन डाटा किया जाता है ना, आप PDF शीट का अगर प्रिंट आउट भी निकलवा रहे तो उसके साइड में प्लीज मेंशन कर लिया कीजिए वाला, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। इसमें क्या रहता है, आपका जब ना मेंस के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से पड़े होंगे आपके दिमाग में। क्लियर है? तो यूनेस्को क्या है? ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ, किसकी है? ऑफ यूनाइटेड नेशंस, UNO की है, सॉरी UN की है। ठीक है, और ये क्या है? टू बिल्ड, इसका मेन काम क्या है? टू बिल्ड पीस थ्रू, टू बिल्ड द पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस किस में? इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। हमने क्या बोल दिया कि इन्होंने पीस लेकर आना है किसके थ्रू? इंटरनेशनल कॉपरेशन किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर, साइंस के अंदर एंड कल्चर के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अच्छा, अभी आगे यूनेस्को की अगर बात करें, एक और डाटा अगर यहां पे लिखा जाए, भारत ने कहते इंडिया हैज बीन अ मेंबर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं हम लोग अभी। इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ द यूनेस्को सिंस कब से? 1946 से। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, और अगर देखा जाए सेकंड पॉइंट यूनेस्को के लिए ही देखा जाए, इट हैज 193 मेंबर्स एंड 11 एसोसिएटेड मेंबर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक?
भारत ने 1946 में ज्वाइन कर लिया था यूनेस्को को। अभी अगर करंटली बात करें 2020 की, सॉरी 21 की, तो 193 मेंबर्स है यूनेस्को के, जिसके अंदर 11 एसोसिएटेड मेंबर्स भी रहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? शैल वी मूव फर्दर? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हंसा मेहता, ये भी हमने देखा था, भारतीय दूतावास थे। कहते सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बागिनी समाज एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द कैंपिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साइमन कमीशन में भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, हंसा मेहता ने, ठीक है, और ये प्रेजेंट सॉरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं बागिनी समाज के। नेक्स्ट है कहते शी रिप्रेजेंटेड इंडिया, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था कब, न्यूक्लियर सब कमेटी के अंदर ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 1946 में। याद रखेगा इन्होंने भारत को रिप्रेजेंटेशन किया था कब, 1946 में, और कहां पे, न्यूक्लियर सब कमेटी में, ठीक है। यहां पे बोला गया एज द इंडियन डेलीगेट ऑन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल सॉरी कमीशन, भारतीय दूतावास थे कहां पे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, नोन नाउ एज, अब इनको क्या बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन को, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, अब हम लोग इनको ह्यूमन राइट काउंसिल के नाम से जानते हैं। 1947 से 48 के बीच में उन्होंने डेलीगेट किया था। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द लैंग्वेज जस्टिस पार्टी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। कंसेप्ट देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको खत्म करने की भी कोशिश की गई है। टू ऑल ह्यूमन बींग्स हाईलाइटेड द नीड फॉर द जेंडर इक्वलिटी। कंसेप्ट याद रखें, यहां पे लिखा ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर भी इन्होंने काम किया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर थोड़ा सा डाटा देखें, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, तो ये क्या है, कहते इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल, क्या है ये, बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहते रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द, किसके लिए स्ट्रेंथनिंग करना है और क्यों करना है, स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। याद रखें, कहते इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूएन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब इनका मेन एम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या बनाने का, वो बात की गई यहां पे कि रिस्पॉन्सिबल है टू स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पूरे विश्व में अराउंड द ग्लोब। और ये आपका, एक मिनट, अगर मैं बात करूं यहां पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, कि यूएन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल आपका स्टूडेंट्स बना कब था, ये बन गया था आपका 15 मार्च 2006 में, और इसका आपको ऑफिस कहां मिल जाएगा, जनेवा में। जनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में, यस और नो, क्लियर है? शैल वी मूव फर्दर? अब आते हैं अपने पास थर्ड डेलीगेट, लक्ष्मी मेनन। ये इन्होंने वर्क किया 1899 से 1994 तक। शी वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ठीक है। शी वॉज इंडियाज डेलीगेट टू द थर्ड कमेटी इन 1948, ठीक है। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मी मेनन जी ने क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं 1949 से 50 तक। शी हेडेड द यूनाइटेड सेक्शंस ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट अपने आते हैं डेलीगेट विजय लक्ष्मी पंडित, 1900 से 1990 तक। कहते शी लीड द इंडियन डेलीगेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस, कब किया इन्होंने, 46 से 48 तक, दो साल किया, फिर 52 से 53 एक साल किया इन्होंने। इन्होंने दो टर्म संभाली अपनी, फर्स्ट वन इज ऑफ 46 से 48, देन 52 से 53, क्लियर। अब अगर बात करें 53 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, प्रीलिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सबसे पहली औरत कौन है, वुमेन 1953 में, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, सॉरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेजिडेंट, वो है विजया लक्ष्मी पंडित, एन इंडियन। अब बात करें थर्ड की, कहते इन 1978 शी वॉज अपॉइंटेड द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगेन इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जितना भी अभी तक हमने डाटा पढ़ा ना, ये सारे के सारे जो डेलीगेशन के हमने डाटा पढ़ लिए, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। हमने अभी देखा था आरकोट रामसाय मुदालेर को देख लिया हमने, हंसा मेहता जी को देख लिया, लक्ष्मी एन मेनन को भी देख लिया, फिर देखा विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये डेलीगेट्स हैं आपके, जिन्होंने यूएन के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया भारत को, सॉरी भारत के लिए इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक चले आगे। ओके, नेक्स्ट अपनी न्यूज रहती है जीआई टैग टू प्रोडक्ट्स। अब ये न्यूज किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये रहेगी जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए, ठीक है। चले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपके ये है क्या, यहां पे लिखा गया चाक हाउ, ये है क्या चीज, ये है ब्लैक राइस। हमने बेसिकली व्हाइट राइस देखे, ब्राउन राइस देख लिए, एक देखे व्हाइट जो नॉर्मली हम लोग ईटेबल्स में यूज करते हैं, इवन ब्राउन राइस भी हम लोग नॉर्मली ईटेबल्स में यूज करते हैं। अब आ गया ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो मणिपुर रहता है आपका, और कहां पे, एंड गोरखपुर जो यूपी के अंदर है। एक मिनट, चक हाउ द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, सबसे पहला जीआई टैग लेने वाला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है आपका, गोरखपुर जो यूपी के अंदर है, वहां पे टेराकोटा हैव बैग्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। टेराकोटा क्या चीज रहती है, अगर क्ले है, क्ले को हमने गर्म कर दिया, वो टेराकोट की शेप ले लेती है, जब वो शेप लेती है तो हम लोग स्कल्पचर्स बनाने में टेराकोटा को यूज करते हैं, मूर्ति कला जिसको बोलते हैं ना, तो वो हम लोग टेराकोटा से बनाते हैं। क्लियर है। सो दो प्रोडक्ट आ गए, एक सबसे पहला स्टूडेंट्स कौन सा प्रोडक्ट आ गया, चक हाउ जिसको ब्लैक राइस बोल दिया, कहाँ के हैं ये, मणिपुर के हैं। दूसरा अपने पास कौन सा आ गया, टेराकोटा। ये टेराकोटा किसका आ गया, कहाँ का आ गया, ये अपने पास आ गया गोरखपुर का। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि देखा जाए गोरखपुर, गोरखपुर के पास आपको कौन सी नदी मिल जाएगी, राप्ती नदी मिलती है आपको, गंगा की ट्रिब्यूटरी, सॉरी सब ट्रिब्यूटरी रहती है गोरखपुर की, ठीक है, ये याद रख लेना थोड़ा सा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। कहते चाखाओ इज सिंटेड ग्लूटीनियस, मतलब के स्टिकी रहते हैं, चिपचिपे रहते चावल हैं, विच हैज बीन इन कल्टिवेशन इन मणिपुर ओवर सेंचुरीज, मणिपुर में कई दशकों से ये चलता आ रहा है, कल्टिवेट किया जा रहा है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्पेशल एरोमा, बिल्कुल ठीक है। कहते इट इज नॉर्मली ईटन ड्यूरिंग, ये कब खाया जाता है, कम्युनिटी फेस्ट, एंड इज सर्व्ड एज चक हाउ खीर, ये फेस्टिवल्स में काफी फेमस रहता है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चक हाउ हीर, ठीक है ना। अब बोला गया चक हाउ हैज ऑल्सो बीन used by traditional medical practitioners as a part of traditional medicine, इसको हम लोग medicines के रूप में भी इसको use करते हैं। Clear है, चले आगे, next देखते हैं। अब आता है the terracotta work of गोरखपुर जो UP पे हैं, ये आपके सामने है। हम लोग इसी तरह का जो कलाएं बनाते हैं, चित्रकला बनाते हैं, is a centuries old traditional art form, ये आपका आर्ट एंड कल्चर में भी इसका जिक्र है, याद रखना आर्ट एंड कल्चर आपके जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी काफी फेमस रहा आपका टेराकोटा। क्लियर है। कहते द एंटायर वर्क इज डन विद बेयर हैंड्स, बिल्कुल ठीक है, हाथों से बनाया जाता है इसको। क्लियर है। अब कंसेप्ट आप लोग देखते ही हैं कि वो एक गोल सा एक पाथ रहता है, वो साइक्लिक या फिर एंटी साइक्लिक फॉर्म में घूमता रहता है, और आप लोग सेंटर में इसको शेप देना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, तो वो बेयर हैंड से नंगे हाथों से बनाया जाता है। द क्ले यूज्ड इन द टेराकोटा, अब आ गया ना कंसेप्ट क्ले, देखो क्ले से ही टेराकोटा बनता है। क्ले यूज्ड इन टेराकोटा प्रोडक्ट्स इज, कौन सी क्ले है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। ये है काबीस क्ले विच इज फाउंड इन द पॉन्ड्स ऑफ औरंगाबाद भरवालिया बुडादित विलेज एरियाज। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट क्या बताया था, याद रखें कि गोरखपुर
इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर राप्ती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सॉइल और क्ले देखने को मिलती ही मिलती है, उसके नियर बाय विलेजेस में आपको देखने को ये मिल जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब अगर बात करें जीआई टैग्स की, कहते मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप इंक्लूड हाउडा एलिफेंट्स, जो अभी हमने देख लिया था, महावतदार हॉर्स, डियर, कैमल, फाइव फेस गणेश, सिंगल फेस गणेश, एलिफेंट टेबल्स, चंदलियर्स, हैंगिंग बेल्स। क्लियर है? अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में भी नॉलेज लेते हैं, कहते इट इज एन इनसिग्निया और द ऑन प्रोडक्ट्स हैविंग अ यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो इसके ऊपर एक ठप्पा लगे, छाप लग गई कि ये प्रोडक्ट वहां का एक पर्टिकुलर एरिया का ही बना हुआ है। लिख दिया ना कि यूनिक है, जो अपने आप में एक रहेगा, ज्योग्राफिकल ओरिजिन उसका पता लग गया। एंड एवोल्यूशन ओवर सेंचुरी की ये कई दशकों से बनता आ रहा है, विद रिगार्ड टू इट्स स्पेशल क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी फिर मेंटेन करके रखनी है हमें, जीआई टैग जिसको मिल चुका है, और रेप्यूटेटेड सॉरी रेप्यूटेड एट्रीब्यूट्स। कहते इट इज अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। एंड एंश्योर दैट रजिस्टर्ड ऑथोराइज यूजर्स और एटलीस्ट दोज रिजाइडिंग इनसाइड द जोग्राफिक टेरिटरी की ये प्रोडक्ट उस बंदे ने बनाया जो उसी टेरिटरी में रहता है, आर अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम्स। क्लियर? जी आई टैग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय, इसको कौन गवर्न करता है, मतलब कौन देख रेख कर रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जी आई टैग किसके अंडर आता है, वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं कि जी आई आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इट इज इशूड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो है आपकी चेन्नई में। क्लियर है? जो आपका कहां पे है, चेन्नई में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अगर एड ऑन कर लें डाटा फिर से, कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको मिलकर उसको बेनिफिट्स क्या रहेंगे, उसके बेनिफिट्स रहते हैं, कहते इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और क्या होता है, ये तो एक पहला बेनिफिट हो गया, अपने पास दूसरा बेनिफिट क्या होगा, कहते प्रमोट इकोनॉमिक, एक मिनट, प्रमोट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी ये बेनिफिट्स रहते हैं आपके, कि प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन होता है एक तो, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की भी प्रमोशंस होती हैं इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चले आगे। अब यहां पे नेक्स्ट न्यूज आती है अपनी, कंसर्न ओवर द यूज ऑफ बीसीजी वैक्सीन, डब्ल्यूएचओ ने बताया ये वाला, ये है क्या देखते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल स्टडीज टू पेपर के लिए। अब देखिए ध्यान से, कहते बीसीजी, मैं इसको ही इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या रहते हैं, मतलब बेकाइल कैलमिटे ग्यूरेन, बीसीजी जो हम देखते हैं इंजेक्शन लगते हैं, इज अ वैक्सीन किसके लिए है, फॉर द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, टीबी का जो डिजीज रहता है। अब कंसेप्ट आता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हो आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। कहते ये सबसे पहले ऑब्जर्व अगर देखा जाए तो, इसको डिस्कवर किसने किया था देख लेते हैं, कहते इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर, तो इसको डिस्कवरी किसने कर दी थी, डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर रॉबर्ट कोच, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, कब किया गया था, ये किया गया था 1882 में। स्टूडेंट्स याद रखना, इसको डिस्कवर किया गया था बाय द डॉक्टर रॉबर्ट कोच इन 1882, तो इन्हीं की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी 24 मार्च। तो हम लोग 24 मार्च को हर साल क्या बनाते हैं, टीबी डे, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं टीबी डे कब, 24 मार्च को, क्योंकि ये डिस्कवर किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट कोच 1882 में। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, डाटा भी काफी पड़ा हमारे पास टीबी के ऊपर,
बस एक मिनट वेट कीजिए आप लोग। अगर देखें यहाँ पे टीबी के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, कहते हैं ये टीबी किसके कारण होता है? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया, याद रखना, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इवन अगर बात करें भारत सरकार की, कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कमिटेड, प्लीज नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स ये डाटा को, टू एलिमिनेट, हमने पूरे भारत में से टीबी को खत्म करना है। टू एलिमिनेट द किसको, प्रिवलेंस ऑफ टीबी ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, 2025 तक तो हमने टीबी को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी इसी कमिटमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फंडिंग्स है वो शुरू कर दी हैं, और ये फंडिंग मैक्सिमम कहाँ पे रखी गई है, लोकल डिस्पेंसरीज के अंदर, ताकि जो रूरल है या फिर अर्बन पीपल है वो असेस कर पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग्स को, और टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके 2025 में। क्लियर है? हमने मेन मोटिव रखा डिस्पेंसरीज के अंदर मशीनरी प्रोवाइड करना, क्योंकि कई डिस्पेंसरीज में तो मशीनरी भी प्रोवाइडेड नहीं है हमारे पास कि ये डिटेक्ट हो सके कि दैट ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टेड फ्रॉम टीबी और नॉट। तो वो ही फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। क्लियर है? अब ये कंसेप्ट आता है किसके अंडर आता है ये वाला सारा कुछ कंसेप्ट देखें आप लोग। कहते द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 से 2025 के बीच में। मैं रिपीट कर देता हूं अगर हैंडराइटिंग में थोड़ी सी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ रही है तो। कहते द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज इंप्लीमेंटिंग द, उन्होंने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, एक मिनट, उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, एक इंप्लीमेंट किया ताकि टीबी को खत्म करा जा सके जड़ से 2017 से 25 के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? शैल वी मूव फर्दर? ओके, आपने पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे तरीके से समझ ही लिया है। नेक्स्ट आता है, अब याद रखना हमने यहाँ पे टीबी के बारे में ना जो पढ़ लिया, ये आपका साइंस एंड टेक में भी आपको यूज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल यूजिंग बीसीजी वैक्सीन आर अंडर वे इन द नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये किसके ट्रायल जा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये न्यूज क्यों आ गई? COVID-19 के कारण अभी हमने देख लिया था कि शायद बीसीजी वैक्सीन इज ऑल्सो इफेक्टिव इन COVID-19, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बीसीजी वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कहते बीसीजी वैक्सीन आर अंडर वे इन नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया टू फाइंड वेदर वैक्सीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस एंड सेवरिटी ऑफ द COVID-19। तो कहां पे ट्रायल शुरू किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन प्रिलिम्स के लिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रिलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने ट्रायल नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया था स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक? अब आर्ग्यूज क्या आते हैं, कहते इट आर्ग्यूज इट कंट्रीज हैव डिप्लॉयड द बीसीजी वैक्सीन इन देयर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव सीन फ्यूर डेथ फ्रॉम द COVID-19। क्लियर है? कम डेथ हुई थी COVID-19 के कारण। ठीक, कहते द बीसीजी वैक्सीन एनहांसेस द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सा ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, तो इसलिए बीसीजी वैक्सीन का हमने ट्रायल रन किया था। ये कंसेप्ट है, ये मुद्दा है यहाँ पे। कहते टू सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन विच माइट रिड्यूस वायरल लोड। कौन सा वायरस? सार्स वायरस, COVID-19 का, आफ्टर COVID-19 एक्सपोजर विद अ कॉन्सिक्वेंट लेस सिवियर COVID-19 एंड मोर रैपिड रिकवरी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? देखिए कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आप लोग, यहां तक डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं यहां पे लिखा है, ये एक न्यूज़पेपर्स की कटिंग है यहाँ पे जो हमने पेश की है। यहाँ पे लिखा, कहते करेक्टली देयर इज नो ट्रीटमेंट स्पेसिफाई फॉर द COVID-19 ड्रग, ट्रीटमेंट है कोई था नहीं अभी। दूसरा पॉइंट है, कहते ओरिजिनल बीसीजी वैक्सीन हैज प्रोटेक्टेड मिलियन ऑफ पीपल फ्रॉम डेडली ट्यूबरक्लोसिस। ये था आपका, क्योंकि ये टीबी वाला, ये जो आपकी ये वैक्सीनेशन थी ना, ये टीबी को रोकने के लिए थी। अब आता है 1921 में, द ईयर इट वॉज फर्स्ट
एडमिनिस्ट्रेटेड अ पेशेंट। 1921 के दशक में सबसे पहले ये पेशेंट को लगाया गया था। ठीक है, यहां पे कहते हैं 100 मिलियन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हु आर एडमिनिस्ट्रेटेड द बीसीजी वैक्सीन अगेंस्ट टीबी एवरी ईयर। 100 मिलियन न्यूली बॉर्न चिल्ड्रंस को ये हर साल लगाया जाता है आपका बीसीजी वैक्सीन। यहाँ पे लिख, यहाँ पे ये देखिए फोटो, आप लोग एक साइंटिस्ट काम कर रहा है, कहते हैं 1947 फाइल इमेज शो अ रिसर्चर्स फिलिंग अ वियल विद द बीसीजी, जो एक पाइप रहती है जिसको टेस्ट ट्यूब की तरह रहती है अपनी, विद द बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन एट अ लेबोरेटरी इन द न्यूयॉर्क। यहाँ पे 86% बीसीजी वैक्सीन एफिशिएंसी रेट। It means those who have received the BCG vaccines are 86% less likely to get TB compared to those who have not. अब जिसको भी BCG vaccine लगा चुके हैं उसको 86% कम खतरा रहेगा TB इफेक्ट होने का। क्लियर है? ये देखते हैं, कहते a recombinant BCG has entered the fight against COVID-19 because क्यों? A study shows a link between the BCG vaccine and the low COVID mortality. कंसेप्ट यहां पे आता है, क्यों आपकी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आ गई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आता है, यहां पे लिखा है फर्स्ट टेस्टेड ऑन 1921, इंसान पे सबसे पहले 1921 के साल में ये बीसीजी का इंजेक्शन टेस्ट किया गया था। क्लियर है? यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो फरीदाबाद के अंदर है, THSTI, उनके अकॉर्डिंग द वैक्सीन कैन प्रिवेलेंट intracellular infections, so it protective effect against COVID-19 in a biologically plausible hypothesis. तो किसने थोड़ा सा recommendation दिया? Translational Health Science and Technology Institute जो फरीदाबाद में है। यहाँ पे लिखा, it will be a premature for India that has had a consistent TB vaccination policy भारत के पास है 1968 से to take comfort from the studies. Sorry, clear है यहाँ तक? आगे द बेनिफिट ऑफ द बीसीजी वैक्सीन। अब इसका लगवाने का बेनिफिट क्या है? कहते गिवन एट बर्थ आर अनलाइकली टू रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ कोविड-19 डिकेड्स लेटर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कहते देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब कोई रिमोट एरिया की अगर बात करें तो, दैट बीसीजी वैक्सीन रैंप अप द इम्यून सिस्टम लीडिंग टू द वर्सनिंग ऑफ कोविड-19 इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द पेशेंट विद द सीवियर डिजीज। ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19 induces cytokine storms in some patients leading to further implications and even death. क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस जो वायरस है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साइटोकाइन स्टॉर्म्स, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ, कहते हैं इफ बीसीजी वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, अगर इफेक्टिव नहीं है, इट इज लाइकली टू गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू पीपल स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव है ये वाला। क्लियर है? तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे यहां पे। नेक्स्ट न्यूज अपने पास आती है, कहते हैं एमएसपी हाइक्ड फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब आप सभी जानते ही हैं एमएसपी का मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और व्हाट डू यू मीन बाय एमएफपी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? पढ़ते हैं इसके बारे में। कहते द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड, इन्होंने फिर से रिवाइज किया सेंट्रल सरकार ने, किसको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। किसके लिए किया? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो जंगलों के अंदर ना छोटे छोटे चीजें हम लोग बनाते हैं उसकी एमएसपी पे भारत सरकार ने रिवाइज किया है नॉर्म्स को। अभी अगर ये न्यूज पढ़ रहे हो आप लोग, हमने 3 सेशंस पहले जो अप्रैल की न्यूज पढ़ी थी कि ट्राइबल्स भी अपना कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए वो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनको सपोर्ट करता है, तो वो भी एमएफपी के अंदर आ गया ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर। क्लियर? कहते द आइडिया ऑफ एमएसपी इज टू काउंटर प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ कॉमोडिटीज। प्राइस है जो उसकी वॉलेटिलिटी है ना कॉमोडिटीज की, वो शिफ्ट ना हो पाए, एक स्थिरता रहे उसके अंदर ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक वेरिएशन इन देयर सप्लाई, ताकि सप्लाई ठीक हो सके, लैक ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। द इंक्रीज, भारत सरकार ने थोड़ा बढ़ाया एमएसपी को, कब से?
रेंज फ्रॉम 16% से 66%। मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एमएसपी इतनी बढ़ गई, उनमें से कई कई प्रोडक्ट्स इस रेंज में आ रहे हैं, 16% से 66% के इन बिटवीन रहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज रिवाइज्ड वंस एवरी 3 ईयर्स। इसको रिवाइज किया जाता है हर 3 साल के बाद, यहां पे लिखा है, ठीक है ना, बाय किसके द्वारा, बाय, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, प्लीज इसको नोट ऑन कर लें कि किसके द्वारा हर 3 साल में एक बार इसके प्राइसेस को रिन्यू किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, वो है प्राइसिंग सेल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कौन से मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दिस विल ऑफर मच नीडेड सपोर्ट टू द ट्राइबल गैदरर्स। तो ट्राइबल्स को भी सपोर्ट मिल रही है ना, इन द व्यू ऑफ एक्सेप्शनल एंड वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल ठीक है, प्रिवेलिंग इन द कंट्री ड्यू टू COVID-19। तो COVID-19 के कारण जो ट्राइबल पीपल्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो वहां से भी इनको राहत मिल जाएगी, ठीक है, अगर थोड़ी सी एमएसपी बढ़ाएंगे यहाँ पे। कहते द सेंटर हैज ऑल्सो आस्क्ड ऑल द स्टेट्स टू स्पीड अप द प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस। भारत सरकार ने सभी राज्यों को बोल दिया कि जल्दी से खरीदारी शुरू कर दो। द सेंट्रल गवर्नमेंट has also created, अब सेंटर ने, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला डाटा, कोई भी पॉइंट से देख लो इसको, कि उन्होंने ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना दिया जिसको बोला गया वन धन मुनित डैशबोर्ड। कौन सा डैशबोर्ड है स्टूडेंट्स ये वाला, मैं यहां पे एक बार क्लियर कर दूं, एक मिनट, ये वाला, अब ठीक है, ये अपने पास रहेगा डैशबोर्ड है, कौन सा, वन धन मुनित डैशबोर्ड फॉर रिपोर्टिंग द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट द स्टेट लेवल। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक चलें। अब देखते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया था मिड 60s में, व्हेन इंडिया वाज द फूड गवर्नमेंट वाज कीन टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक सेकेंड, एमएसपी फॉर द फर्स्ट। स्टूडेंट्स ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाली जो स्लाइड है यहां पर गलती से लग चुकी है, ये न्यूज की स्लाइड नहीं रहेगी, बाय मिस्टेक लगा यहां पे। अब देखते हैं यहां पे, कहते जो एमएसपी हाइक किए गए किसके लिए, एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, उसके अंडर जो अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा था वन धन मुनित डैशबोर्ड, तो इन्हीं के तहत क्या चीज है वो देखते हैं। ये क्या बोलते हैं कि वन धन विकास केंद्र एक आता है जिसके अंदर क्या बोला गया, कहते हैव बीन सेटअप अंडर द प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम के अंदर ये स्कीम को लॉन्च किया गया, वन धन योजना के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2018 में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहते द वन धन विकास केंद्र केटर्स टू 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ 30 ट्राइबल गैदरर्स ईच को हेल्प कर रहा है। कितने ग्रुप्स हैं, 10 हैं, और हर एक ग्रुप में कितने ट्राइबल पीपल हैं, 30, और ये किसके अंदर आ रहे हैं, वन धन विकास के अंदर। इवन हमने ये कंसेप्ट को स्टूडेंट्स पढ़ा था ट्राइफेड के अंदर, जो हमने पढ़ा था ना कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ही न्यूज मैंने कल वाले सेशन में भी बोला था, हर एक न्यूज दूसरी न्यूज से किसी ना किसी तरीके से रिलेशंस में आती ही आती है, क्लियर है। हालांकि ये वाली न्यूज आपकी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वाली। तो यहां पे बोला द सिलेक्शन ऑफ ट्राइबल बेनिफिशरीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाना है जिसके अंदर 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 30 ट्राइबल्स पीपल रहेंगे, has been undertaken by the, और ये undertake किसने कर लिया, ट्राइफेड ने, मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, देखिए फिर भी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आगे चलते हैं, यहां पे बोलते हैं द वन धन विकास केंद्र ने क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया और भी स्पीड अप कर दिया, किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, किसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ट्राइबल लोगों की, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये तो COVID-19 के कारण पहले प्रभावित हो चुके थे। इन्वॉल्वड इन कलेक्शन ऑफ एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल एमएफपी बेस्ड लिवलीहुड इन एमएफपी रिच डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक, कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। अब आता है एमएफपी के अंदर ही, कहते
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ऑरिजन, इसके अंदर क्या होगा, बैम्बू, केन्स, फॉडर, चारा, लीव्स, गम्स, वैक्सेस, डाइज, रेसेंस एंड मेनी फॉर्म ऑफ फूड इंक्लूडिंग नट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, हनी, लैक और टसर। ये कंसेप्ट याद रखना कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं, एक बार रिकॉल कर लेना आप लोग, ठीक है। कहते इट प्रोवाइड बोथ सब्सिस्टेंस एंड द कैश इनकम फॉर द पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट। कैश इनकम की बात की गई है जो जंगलों में या फिर जंगलों के आसपास रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, ट्राइफेड मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर फूड। तो ये लोग अपना ज्यादातर खाना किस चीज का बनाते हैं, फ्रूट्स, मेडिसिन एंड अदर कंजप्शन आइटम्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड कैश इनकम थ्रू सेल्स। क्लियर है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है, इंश्योरेंस क्लेम्स एमिड COVID-19 आउटब्रेक। ये जनरल स्टडीज 3 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, GS पेपर 3 के लिए। इंश्योरेंस क्लेम किया गया जो COVID-19 बाहर आ गया, आउटब्रेक हो गया था पैंडेमिक के कारण। ये है क्या, कहते कंपनीज दैट सफर्ड बिजनेस, जो कंपनीज बंद हो चुकी थी पैंडेमिक के कारण, तो उनको जो लॉस हुआ, इंटरप्शन लॉसेस ड्यू टू COVID-19 आउटब्रेक एंड द लॉकडाउन आर लाइकली टू बैट फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। ये बोलते हैं द नेट रिजल्ट इज दैट दे मे नॉट गेट एनी इंश्योरेंस क्लेम। अब कंपनी जो बंद हो चुकी थी वो इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं कर पा रही थी। फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द, किसके अंडर, अंडर द स्टैंडर्ड फायर, या तो आग लग जाए, एंड स्पेशल पेरिलस पॉलिसी कॉमनली नोन एज प्रॉपर्टी पॉलिसी। क्योंकि दो पॉलिसी आएंगे, एक तो स्टैंडर्ड फायर, या तो आग लग जाए तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी पॉलिसी रहता है। क्लियर। कहते इफ द इंश्योर्ड प्लांट, कोई भी, अगर कोई भी प्लांट है आपने उसकी इंश्योरेंस करवा लिया, कोई भी ऑफिस है उसकी इंश्योरेंस करवा चुकी है, इज शट डाउन ड्यू टू एनी डैमेज, अब किसी भी कारणों से वो बंद हो गया या फिर उसमें आग लग गई, द कंपनी इज एलिजिबल फॉर द क्लेम्स। बिल्कुल ठीक है, तो कंपनी को भुगतान देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो पॉलिसी में लिखा होता है ऐसा। ये बोलते हैं ऑल्सो द पॉलिसी स्पेसिफाइज इफ बिल्डिंग इंश्योर्ड, जो बिल्डिंग है इंश्योरेंस करवा चुके हैं हम लोग उसकी, और कंटेनिंग द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का मतलब कि उसके अंदर जो रखा हुआ सामान है, बिकम अनऑक्युपाइड एंड सो रिमेन फॉर पीरियड ऑफ मोर देन, अगर 30 दिन से भी ज्यादा उसको ऑक्यूपाई नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल फॉर ड्वेलिंग्स, द इंश्योरेंस क्लेम मे नॉट बी एप्लीकेबल। ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो नेशनल पॉलिसीज के अंडर आते हैं आपके। क्लियर है। कहते द इंश्योरर हैव गिवन रिलीफ टू कॉर्पोरेट्स। अब जो इंश्योरर है, इंश्योरर्स हैं, उन्होंने पैसा दिया कॉर्पोरेट सेक्टर को, क्यों, विच शट देयर यूनिट्स फॉर मोर देन अ मंथ, जिन्होंने एक महीने से ज्यादा अपने प्लांट को या यूनिट को बंद रखा, देयर पॉलिसीज विल बी अलाउड टू ऑपरेशनल डिस्पाइट द क्लॉजेस दैट इफ अ यूनिट इज शट फॉर 30 डेज कॉन्टिन्यूसली द पॉलिसी कवर विल लैप्स। ठीक है। द अबव रिलीफ इज एप्लीकेबल फॉर द अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज फॉर मोर देन द मंथ टिल मे 3। मोस्ट इंश्योरर्स विल ऑल्सो यूज द कंसेप्ट, देखें ये वाला फोर्स मेजोर, कौन सा है ये, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। तो आपको कुछ याद भी आ गया होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है क्लॉज, बट अगेन देयर इज नो कंक्रीट कंक्लूजंस और द क्लॉज स्टेटिंग दैट लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू COVID-19 इज फोर्स मेजोर। तो ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम ये किसके अंडर आ गया, फोर्स मेजोरी। ठीक है। कहते फोर्स मेजोरी इज अ कॉमन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट दैट एसेंशियली फ्रीज बोथ पार्टीज, की दोनों पार्टी को फ्री कर दिया लायबिलिटी से और ऑब्लिगेशन से, व्हेन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल, की दोनों पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है, अकर हो जाए, इट prevents one or both party, एक या एक से ज्यादा parties को from fulfilling their obligations under the contract. Clear है students यहाँ तक? चलते हैं आगे, next news पे पढ़ते हैं हम लोग। हमारी next news क्या बोलती है, कहते झारखंड launches employment scheme,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए, जीएस पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। झारखंड ने कुछ नई स्कीम्स को लॉन्च कर दिया, वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं? सबसे पहले आती है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी है पहली बिरसा हरित ग्राम योजना BHGY, दूसरी आती है नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना NPJSY, और थर्ड आती है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम VSPHKVS। कंसेप्ट ये है COVID-19 के कारण जो माइग्रेटेड लेबर थी वो झारखंड से ज़्यादा थी और झारखंड में वो वापस चली गई, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट काफी पीक पर हो गई थी। तो आप लोग सिर्फ मनरेगा के ऊपर डिपेंड तो नहीं रह पाएंगे ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च कर दे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको ओवरकम, अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए कुछ स्कीम्स को लॉन्च कर दिया था। क्लियर, शुरू करें। कहते दीज थ्री स्कीम्स हैव बीन डिवाइज्ड इन कन्वर्जेंस विद मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये है क्या चीज मनरेगा? ये आपका रहता है, ये आपका है एक्ट, एक मिनट, ये आपका एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर आया था मनरेगा के अंदर। तो इसमें एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कहते इट्स एम इज टू एनहांस, एनहांसिंग द, किसको एनहांस करना है? लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, इन द रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग, किस तरीके से? बाय प्रोवाइडिंग 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो है आपका मनरेगा के तहत, ठीक है। अब ये स्कीम्स को भी देख लेते हैं जो झारखंड ने लॉन्च की हैं। कहते हैं पहले दो पॉइंट्स क्लियर है, थर्ड पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डाटा, द स्टेट इज रीलिंग अंडर द स्वेयर जॉबलेस विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितना हो गया? 47.1%। किसने मॉनिटर किया? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, डबल दैट ऑफ द नेशनल एवरेज। नेशनल की अगर बात करें तो 23.5 है और झारखंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 47.1% था थ्रू मनरेगा एंड दीज स्पेशल स्कीम। जो तीन स्कीम अभी हमने देखी जो झारखंड सरकार ने लॉन्च की, द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट 30 करोड़ पर्सन डेज एंड प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल इन द कमिंग 5 ईयर्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सरकारों ने मिलकर क्या स्टेप्स उठाए। प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि डाटा किसने कलेक्ट कर लिया? सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CIME ने। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे चलें। नेक्स्ट आता है कौन सी स्कीम है? बिरसा हरित ग्राम योजना, देखते हैं। कहते द BHGY बिरसा हरित ग्राम योजना इज एनविसेज्ड एट ब्रिंगिंग ओवर 2 लाख एकर्स, 2 लाख एकड़ की जो झारखंड सरकार की अनयूज्ड लैंड है उसको फॉलो किया गया। किसके अंडर? अंडर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। अबाउट 5 लाख फैमिलीज विल प्रोवाइड, 5 लाख परिवारों को 100 फ्रूट बेरिंग प्लांट्स प्रोवाइड किए गए, ठीक। ईच फैमिली, हर एक फैमिली को एस्टिमेटली टू रिसीव एन एनुअल इनकम, तो सालाना इनकम हर परिवार को 50,000 रुपीज का मिला फ्रूट से, फ्रूट प्लांट से। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, वाइल द ऑनरशिप ऑफ द लैंड विल रिमेन विद द गवर्नमेंट, और जो जमीन का मालिकाना हक होगा वो तो झारखंड सरकार का ही होगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ये है बिरसा हरित ग्राम योजना। फिर आती है अपने पास नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। कहते इस स्कीम के तहत क्या है? अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट इज एमिंग, तो झारखंड सरकार ने क्या एम रखा? एट क्रिएटिंग एग्रो वाटर स्टोरेज, जो एग्रीकल्चर बेसिस पे, जो फिर एग्रीकल्चर पे जो भी पानी की इस्तेमाल किया जाएगा उसका पानी स्टोर करना है, यूनिट्स बनाए, बाय अरेस्टिंग रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करना है, एंड रन अवे ग्राउंड वाटर,
कंसेप्ट देखें, ये वाला आपका पानी के ऊपर आधार पे बेस रहेगा। तभी तो लिखा था ना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जल का पानी का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया नियरली 5 लाख एकर्स ऑफ कल्टीवेबल लैंड कैन बी इरिगेटेड थ्रू द इनिशिएटिव। तो जो हम लोग यहाँ से पानी स्टोर करेंगे वो पानी 5 लाख एकड़ की जमीन पे लगी हुई फसलों में काम आएगा, इरिगेशन, ठीक है। ये झारखंड ने स्कीम्स लॉन्च की है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल स्टडीज 2 पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला न्यूज है ये वाला। आगे चलते हैं, तीसरी स्कीम देखते हैं, वीर शहीद शाहिद पोटोहो खेल विकास स्कीम। तो इसके तहत क्या है, कहते अंडर वीर शहीद पोटोहो खेल विकास स्कीम द गवर्नमेंट इज लिंकिंग स्पोर्ट्स की बात की, खेलों की बात कर ली, लिंकिंग स्पोर्ट्स विद द रूरल जॉब स्कीम। हमने स्पोर्ट्स को रूरल के एरियाज के जो काम काज है उसके साथ जोड़ दिया। फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स इन द रूरल एरियाज इन ऑर्डर टू गिव अ बूस्ट टू द स्पोर्ट्स। एक तो स्पोर्ट्स में बूस्ट अप हो जाएगा और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहां बोला गया अबाउट 5,000 स्पोर्ट्स ग्राउंड आर बीइंग प्लान्ड टू बी सेट अप। अब कंसेप्ट देखिए, 5,000 से भी ज्यादा खेल मैदान बनाने हैं, कहां पे, रूरल एरियाज में बनाने हैं। तभी तो लिख दिया कि रूरल जॉब स्कीम, स्पोर्ट्स को अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बना कि 5,000 खेल मैदान बनाने, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आर बीइंग प्लान्ड टू सेट अप विद वन ईच इन ऑल द 4,300 पंचायत। सो हमने कितनी पंचायतों को कवर अप कर लिया, 4,300 पंचायत को हमने कवर अप कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के पॉइंट्स आप लोग अपने मेंस पेपर में लिख सकते हो कि अगर ये स्कीम हमने इस तरीके से लॉन्च कर दी, अगर हम लोग इसके फंक्शनिंग को बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे तो हम ये वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो हम लोग, मैं आज का सेशन यहीं तक रोकता हूं, आगे भी हमारे पास न्यूज प्रोवाइडेड है बट टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने मई वाले जो मंथ है उसको स्टार्ट किया है आज, इसको धीरे धीरे कवर अप करके हम लोग अपने नेक्स्ट मंथ पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग 70 डेज के अंदर पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी काफी बढ़िया लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।